नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 2 जून से लॉर्ड्स में शुरू हुए टेस्ट मैच के साथ ही इंग्लैंड में समर सीजन क्रिकेट की शुरुआत हो गई। टेस्ट मैच हालांकि ड्रॉ रहा लेकिन एक बड़े विवाद को जन्म दे गया। पहले टेस्ट के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को विवादित ट्वीट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है। ओली रॉबिन्सन पर अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद से इंग्लैंड क्रिकेट में हड़कंप मच गया है। ओली रॉबिन्सन के सस्पेंशन के बाद रेसिज्म या नस्ल भेद पर बहस फिर से शुरू हो गई है। अब इस मामले पर कई पूर्व क्रिकेटर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब इस मुद्दे पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर ने भी अपनी बात रखी है, साथ ही साथ अपनी भड़ास भी निकाली है। उन्होंने अपने साथ हुए किस्से को भी बताया। टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर ने बताया कि किस तरह उन्हें नस्ल भेद रंग भेद का सामना इंग्लैंड में करना पड़ा था जब वो लैंकाशायर के लिए इंग्लैंड में खेलते थे। फारूक इंजीनियर 1960 के दशक के शुरुआत में इंग्लैंड के काउंटी क्लब लैंकाशायर के लिए खेलने गए थे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार काउंटी क्रिकेट में खेलने पहुंचा और लैंकाशायर की टीम से जुड़ा तो मुझे भी नस्ल भेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं भारत से था और वहाँ मेरे इंग्लिश उच्चारण का मजाक बनाया जाता था। हालांकि मैंने अपने बल्ले और विकेट कीपिंग से खुद को साबित किया और उन्हें करारा जवाब भी दिया। कुछ दिन पहले फारूक इंजीनियर ने भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में रेसिज्म का सामना करते हैं इस पर भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि पूर्व इंग्लिश कप्तान जेफ्री बॉयकॉट भारतीय खिलाड़ियों के लिए हमेशा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे लेकिन IPL की वजह से अब वो चुप हो गए हैं। फारूक ने कहा, कुछ साल पहले तक जो हमें घटिया समझते थे लेकिन जैसे ही IPL शुरू हुआ उन्होंने हमारे तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ही उन्होंने विवादित ट्वीट पर माफी भी मांगी थी। रॉबिन्सन ने ट्वीट करते हुए कहा था, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है और मैं इस तरीके की टिप्पणियों करने के लिए शर्मसार हूँ। गौरतलब है कि 27 साल के इस गेंदबाज ने 2012 से 2014 तक लिंग भेद और नस्ल भेद से जुड़े कई ट्वीट किए थे। रॉबिन्सन को टीम में शामिल किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस ट्वीट की चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।